यह है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, कहा 28 मार्च को कथित शराब घोटाले में पैसे के लेन देन का बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जताई नाराजगी, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम नजर बनाए हुए हैं। ईडी ने महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरा नंदानी को भेजा समन, पूछताछ के लिए 28 मार्च को बुलाया। विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन का मामला। निर्वाचन आयोग ने दिलीप घोष, सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जेल से सरकार चलाने को लेकर बीजेपी आप में ठनी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, मैं इंश्योर करता हूं कि दिल्ली में सरकार जेल से नहीं चलेगी। दिल्ली में एक और आप नेता के घर ईडी की रेड, आप नेता दीपक सिंघला के कई ठिकानों पर चल रही है जांच। कांग्रेस अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू करेगी प्रचार अभियान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगी प्रचार अभियान का आगाज। चेन्नई से हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को लगा दोहरा झटका, स्लो ओवर डालने को लेकर उन पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। बिग बॉस कंटेस्टेंट और मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल की लैम्बोर्गिनी जब्त, लगा 3 करोड़ का जुर्माना। वाहन के अधूरे डॉक्यूमेंट होने पर कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी की हिरासत में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।